किसान विरोधी नेता, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नारायण विरोधी, विजय सिंह सभी दोस्त जो के प्रेसिडेंट हैं, इन दो को आज आ गए हैं। मैडम मैडम बोल रहे रजनी पाटिल जी, रजनी पाटिल जी, जीए वीर सा और सभी नेतागण को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज एक विरोध दर्ज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तीन काले कानून बीजेपी की केंद्र सरकार ने मोदी सहभागी हमको फायदा देने के लिए MSP मिनिमम गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रजनी पाटिल जी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक साल के माध्यम से
आए तुम दुश्मनों का सामना यहाँ पे कर रहे हैं इस इलाके में, इस रियासत में, और वो किसान जो हमारी एक मजबूत रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, आज किसान शायद नरेंद्र मोदी जी सोचते थे कि कोरोना में लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, हम ऐसे काले कानून लगा देंगे ताकि सीधा कारपोरेट को जो फायदा देना चाहते थे पानी अडानी ऐसे ग्रुप को, उनको सीधा फायदा मिल पाए, लेकिन हालात विपरीत हो गए। आज किसान सड़कों पे यहाँ पे है और गूंज उसकी सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है नरेंद्र मोदी को, कि आज जो किसान को सपोर्ट प्राइस मिलना करती थी, मिडलमैन सिस्टम जो एक उनका सहारा यहाँ पे था, आज उस सहारे से वो बदलू यहाँ पे होकर रह गए। आज जो उनके मंत्रियों के कहे गए स्वागत करना चाहूंगा, उनके साथ करना चाहूंगा, बिल्कुल ही शॉर्ट में मैं बात करूंगा, क्योंकि बड़े ही सम्मानी सम्मानी सभी नेतागण यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ दो मिनट की कहानी सुनाऊंगा, उसी दो मिनट की कहानी में मेरा पूरा भाषण और वर्तमान में जो चाहे जम्मू कश्मीर की स्थिति हो या हमारे देश की स्थिति हो, वो सारी आप लोगों के सामने हो जाएगी। सही बात कही कि हमें सबसे पहले प्रदेश का जो दर्जा है वो वापिस चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब औलाद लड़ाई निकलती है तो वो क्या करती है, लड़ाई औलाद ये करती है कि जो पूर्वजों की बनाई हुई जमीन है, जो जायदाद है, उसे बेचने का काम करती है, और जो लड़ाई की बात होती है उसे फैलाने का काम करती है। तो भाजपा की सरकार उसी तरीके से लड़ाई औलाद की तरह है, जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम तो नहीं किया, बल्कि रियासत को दो हिस्सों में तोड़ के एक यूनिट टेरिटरी बना के लद्दाख को मुकर किया और जम्मू कश्मीर को भी यूनिट टेरिटरी का दर्जा दिया। ये लड़ाई का जो दर्जा है ये भाजपा की सरकार